वेलकम गाइस गाइस आप देख रहे हैं अपना ए के आर करंट अपडेट चैनल। गाइस आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। आई होप कि नया साल सभी के लिए अच्छा आए, सभी जो है अपने अपने फील्ड में कामयाब हों। तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो जनरल टॉपिक ही है, इसमें हम बात करेंगे जो सेवन वंडर्स हैं वर्ल्ड के, उस पर बात करेंगे। तो गाइस आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, जिससे कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक जो है जनरल टॉपिक ही है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गाइस वैसे तो फेमस जो जगह है, कई लोगों का सोचना है कि दिमाग में भी है कि ग्रेट पायरामिड ऑफ गीज़ा, मीन कि गीज़ा की जो नेक्रोपोलिस इजिप्ट में जो इनका पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होगा जो सेवन वंडर है। लेकिन ऐसा नहीं है, वैसे ये भी शामिल होने के लायक ही है। अगर ये शामिल होते हैं तो सेवन ही एट वंडर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पिक्स ही हैं इनकी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दुनिया के जो सात अजूबे हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। गाइस ऐसे ही कुछ जो जनरल टॉपिक हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो मैं अपलोड करता रहूँगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो गाइस आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है उस पे जो पहला अजूबा है, जो पहला वंडर है, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कौन सा है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी आप देख सकते हैं जो ग्रेट वॉल है चाइना की, दरअसल चाइना ने जो ग्रेट वॉल जो बनाई थी, जे दूसरी कंट्रियों का जो और जो साथ में कंट्री हैं उनका प्रभाव आगे ना पड़े या उनसे बचने के लिए, ठीक है, उनके डिफेंस में डिफेंस के लिए जो बनाई थी। ये पिक्चर है चीन की दीवार। चीन की जो दीवार है अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया, ठीक है। पहले जो अलग अलग जो राजे महाराजे पहले जहाँ पे थे उन्होंने बनाई थी, फिर धीरे धीरे करके इनको जोड़ दिया गया। ये दीवार इतनी बड़ी थी कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, मीन्स कि आप इसको अंतरिक्ष से जहाज़ से भी देख सकते थे, इतनी बड़ी थी। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। इसकी कितनी लंबाई है? 6400 किलोमीटर है। तो गाइस ध्यान से देखो, तो ये भी दीवार का ही पिक्चर है। इसके अलावा जे है दीवार का पिक्चर, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारा जो सेकंड वंडर है, मीन सेकंड जो अजूबा है, जे है पेट्रा। ये पेट्रा जो है बिल्डिंग है, जे है जॉर्डन की। कहाँ पे है? ये जॉर्डन में है, ठीक है। आगे हम इसकी बात करते हैं, पेट्रा जॉर्डन। पैट्रिक ऐतिहासिक नगरी है, जो पैट्रिक एक ऐतिहासिक मतलब बड़ी ही हिस्टोरियन एक सिटी है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई है। बड़े बड़े चट्टानों स्टोन से और बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, इमारतों के लिए जानी जाती है। ये एक बड़ी फेमस है, फेमस फॉर किसके लिए है? चट्टानों के लिए, पत्थरों के लिए बड़ी फेमस है। इस नगरी में पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिल जाती हैं इस शहर में, जॉर्डन में। तो गाइस आगे हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड वंडर है वो है कोलोसम। क्या है इसका? कोलोसम, जो रोम इटली में है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये भी थर्ड नंबर पे है सेवन वंडर में, जो कोलोसम रोम में है। ये इटली देश के रोम नंबर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम, जहाँ प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठते थे। इतनी बड़ी थी ये कोलोसम, जो बनाया हुआ एक स्टेडियम की तरह है, जहाँ पे पहले ऐसे ही जैसे स्टेडियम होता है, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, जो और कोई स्टेडियम है जिसमें सेंटर में खेल किए जाते हैं और बाकी जगह पे लोग बैठ सकते हैं। तो जो स्टेडियम में उस समय की बात है, तब 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर बाउंडर है, ये है चिचन इट्जा। क्या है? चिचन इट्जा। ये जुकाटेन मैक्सिको सिटी में जे बनाया हुआ है, एक बड़ी सी इमारत है ये भी एक प्रकार की। तो इसमें हम बात करें चिचन इट्जा, चिचन इट्जा मैक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 600 ईस्वी से पहले जे हुआ था। ये मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ, 5 किलोमीटर दायरे में, इतना बड़ा मंदिर है, 5 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। और ये पिरामिड के आकार का, एक पिरामिड टाइप का आकार है इसका, मैं बता भी दूं, ये इसका आकार है इस तरीके का।
जी इस प्रकार का इसका आकार है पिरामिड का। आगे हम बात करें जो हमारा फिफ्थ अजूबा है, फिफ्थ वंडर है, वो है मच्चू पिच्चू। ठीक है, मच्चू पिच्चू जो है ये कुजुको रीजन पेरू का, पेरू की जगह है जहाँ पे ये वंडर बना हुआ है। ये भी एक जगह ही, एक पहाड़ों की तरह है। देखो पिच्चू, माचू पिच्चू पेरू में जो है, माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये भी एक हिस्ट्री का बहुत फेमस स्थल है, फेमस प्लेस है, जहाँ कोलंबस से पूर्व युग इंका सभ्यता रहा करती थी। मैं कोलंबस से भी पहले का समय है, जब कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका, उससे भी पहले का है। समुंदर तल से इस ऐतिहासिक स्थल की, समुंदर से इसकी आल्टीट्यूड कितना है ऊपर, हाइट में 2430 में 2430 मीटर है। ठीक है, इसके बाद जो 6 नंबर पे है वो है ताजमहल, हमारा इंडिया का जो आगरा इंडिया में है, ताजमहल है, ताजमहल आगरा इंडिया। ताजमहल को मुगल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। तो इंडिया वालों के लिए तो जो मीन्स की सभी को पता है, इससे बनने में करीब 15 साल का समय लगा, 15 साल में जो बना था। इसके बाद ये भी पिक्चर इसकी ताजमहल की आप सभी ने देखा होगा। 7th नंबर पे और लास्ट नंबर पे जो है हमारा वंडर है वो है क्रिस्ट द रिडीमर, रायो डी जनेरो ब्राज़ील। इसमें जो यीशु मसीह जो है उनका एक बड़ी सी वो बनाई हुई है, पुतला टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, जो ब्राज़ील में है, क्राइस्ट रिडीमर रायो डी जनेरो, जहाँ ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट है, वहीं इसकी चौड़ाई कितनी है, 98 फीट है। तो गाइस ये था आज का जो लेक्चर था हमारा। गाइस आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो गाइस आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन, ऐसे ही अपडेट आपको देता रहूँगा। थैंक यू गाइस।